नमस्कार आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है आज के व्याख्यान का विषय है आम चुनाव इस एपिसोड में भारत में अब तक हुए 16 आम चुनावों की चर्चा विस्तार से करेंगे शासन प्रक्रिया के अंतर्गत इन चुनावों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है इसकी भी समीक्षा करेंगे इन चुनावों को आयोजित करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी नज़र डालेंगे हमारे विषय विशे विशेषज्ञ हैं रविशंकर जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं और मैं हूं साक्षी मांडवाल आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार है शासन प्रक्रिया में आम चुनाव की रूपरेखा का विश्लेषण करना आम चुनाव में निर्वाचन आयोग का रोल लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में आम चुनावों की भूमिका का उल्लेख करना लोकसभा चुनाव के बदलते व्यवहार की व्याख्या करना तथा प्रत्येक लोकसभा चुनाव का संक्षिप्त परिचय भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और इसलिए आम चुनाव को प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार अथवा लोकतंत्र का नृत्य कहा जाता है आज़ादी के बाद से भारत में चुनावों ने एक लंबा रास्ता तय किया है देश की आज़ादी के बाद अब तक 16 आम चुनाव हो चुके हैं आम चुनाव का तात्पर्य है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं 543 सदस्यों का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ पूरे भारत में चवालीस दशमलव आठ सात प्रतिशत की चुनावी भागीदारी दर्ज की गई उन्नीस को हुए आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ थी जो 2014 के लोकसभा में बढ़कर इक्यासी करोड़ अधिक हो गई पिछले आम चुनाव के मुकाबले 10 करोड़ ज़्यादा 2004 में भारतीय चुनाव में सड़सठ करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया इन चुनावों में 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया 2009 के चुनाव में 71 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त संख्या से भी अधिक मतदाता का आकार लंबी चुनाव प्रक्रिया चुनावी खर्चों के लिहाज से भारतीय आम चुनाव विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है 2014 का आम चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ इस चुनाव में सरकार ने 3426 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि पूरे चुनावी प्रक्रिया यानी चुनाव प्रचार में तीस हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है 2009 में सरकार ने खर्च किया था एक करोड़ रुपया और पहले आम चुनाव उन्नीस में 10.45 करोड़ रुपए सरकारी खर्चा आया 2012 के अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में तकरीबन 9 बिलियन डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में बयालीस हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए थे चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका भारत में चुनावों का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है यह एक स्थापित परंपरा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है भारत की चुनावी प्रक्रिया में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कम से कम एक महीने का समय लगता है जबकि आम चुनाव के लिए यह अवधि और अधिक बढ़ जाती है मतदाता सूची का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण चुनाव पूर्व प्रक्रिया है और यह भारत में चुनाव के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मतदाताओं की विशाल संख्या को देखते हुए चुनावों को कई चरणों में आयोजित किया जाना आवश्यक हो गया 2004 के आम चुनावों में चार चरण थे और 2009 के चुनावों में पांच चरण थे लेकिन भारत में सोलहवीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक रिकॉर्ड नौ चरणों में हुए यह चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यक्रम वाला चुनाव था चुनावों की इस प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से काम किया जाता है इसमें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथि की घोषणा जिससे राजनीतिक दलों के बीच आदर्श आचार संहिता लागू होती है इसे लेकर परिणामों की घोषणा और सफल उम्मीदवारों की सूची राज्य या केंद्र के कार्यकारी प्रमुख को सौंपना शामिल होता है परिणामों की घोषणा के साथ चुनाव प्रक्रिया का समापन होता है और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होता है। आम चुनावों का इतिहास देश की आजादी के बाद से अब तक सोलह आम चुनाव हो चुके हैं भारत में पहली बार उन्नीस में लोकसभा का चुनाव हुआ वर्ष उन्नीस से आज तक हुए लोकसभा चुनावों के दिलचस्प इतिहास पर डालते हैं एक नजर प्रथम आम चुनाव लोकसभा उन्नीस से उन्नीस अगस्त उन्नीस में स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के बाद उन्नीस में भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ तत्पश्चात देश में पहली बार उन्नीस में लोकसभा का गठन हुआ इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तीन सीटों के साथ सत्ता में आई इसके साथ पार्टी ने कुल पड़े वोटों का 45 प्रतिशत प्राप्त किया था पूरे दशमलव आठ सात प्रतिशत की चुनावी भागीदारी दर्ज की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने दूसरा आम चुनाव उन्नीस दूसरी लोकसभा का गठन वर्ष उन्नीस में हुआ पहली लोकसभा यानी उन्नीस की अपनी सफलता की कहानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्नीस में आयोजित हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में भी दोहराने में कामयाब रही कांग्रेस के 490 उम्मीदवारों में से 371 सीटें जीतने में कामयाब रहे पार्टी ने कुल 5 करोड़ पिछहत्तर लाख उन्यासी हजार पाँच सौ नवासी मतों की जीत के साथ सैतालीस प्रतिशत बहुमत सुरक्षित रखा बड़ी बहुमत के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता में फिर वापसी हुई मई उन्नीस के चुनावों में निर्दलियों को मतदान का 19 प्रतिशत प्राप्त हुआ दूसरी लोकसभा ने 31 मार्च उन्नीस तक का अपना कार्यकाल पूरा किया इन चुनावों में कांग्रेस के सदस्य फिरोज गांधी का उदय भी देखा गया जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू की बेटी इंदिरा से शादी की थी उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की थी दिलचस्प बात यह रही कि उन्नीस के चुनाव में एक भी महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं थी उन्नीस में निर्दलियों को मतदान का उन्नीस प्राप्त हुआ तीसरा आम चुनाव उन्नीस तीसरा आम चुनाव कई मायनों में देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा लोकसभा चुनाव मार्च उन्नीस में कराया गया आशा अनुरूप कांग्रेस पार्टी फिर से विजयी रही और तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए अक्टूबर उन्नीस में चीन का भारत पर आक्रमण से नेहरू सदमे में थे और दिल का दौरा पड़ने से सत्ताईस मई उन्नीस को उनका निधन हो गया उनकी मौत के बाद दो सप्ताह के लिए कांग्रेसी नेता गुलजारीलाल नंदा ने उनकी जगह ली कांग्रेस द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को नया नेता चुने जाने तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान पर जीत दिलाने में देश का नेतृत्व किया लेकिन जनवरी 1966 में शास्त्री के देहांत के कारण कांग्रेस एक बार पुनः नेतृत्वहीन हो गई नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार फिर गुलजारी लाल नंदा को एक महीने से कम समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया इंदिरा शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में काम करती थी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने उन्नीस में इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुरारजी देसाई के कड़े विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी 24 जनवरी उन्नीस को प्रधानमंत्री बनी चौथा आम चुनाव उन्नीस आज़ादी के बाद चौथा आम चुनाव अप्रैल उन्नीस में आयोजित कराया गया देश पूर्व की राजनीतिक गतिविधियों से गुजर रहा था जिस कांग्रेस ने अब तक चुनाव में तिहत्तर प्रतिशत से कम सीटें नहीं जीती थी आगे आने वाला समय उसके लिए और बुरा साबित होने वाला था कांग्रेस के आंतरिक संकट का नतीजा उन्नीस के चुनाव परिणाम में साफ दिखाई दिया पहली बार कांग्रेस ने लोकसभा में करीब साठ सीटों को खो दिया उसे दो सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई इस सब के साथ इंदिरा गांधी को जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई थी 13 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई असंतुष्ट आवाज़ों को शांत रखने के लिए उन्होंने मुरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री और भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया मोरारजी देसाई ने नेहरू की मौत के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने उन्हें मुखर बनने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया जिसने उन्हें कांग्रेस पार्टी आलाखमान के खिलाफ ला खड़ा किया पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ते रहे कांग्रेस ने 12 नवंबर उन्नीस में अनुशासनहीनता के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया इस घटना ने कांग्रेस को दो भागों में विभाजित कर दिया कांग्रेस ओ संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया और कांग्रेस आई इंदिरा के लिए जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी इंदिरा ने दिसंबर 1970 तक सीपीआईएम के समर्थन से एक अल्पमत वाली सरकार को चलाया वे आगे अल्पमत की सरकार नहीं चलाना चाहती थी इसलिए उन्होंने चुनाव की अवधि से 1 वर्ष पहले मध्यावधि लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी इसके साथ ही देश अपने पांचवें आम चुनाव के लिए तैयार था पांचवी आम चुनाव उन्नीस सौ इकहत्तर इंदिरा गांधी ने उन्नीस में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलाई गरीबी हटाओ के चुनावी नारे के साथ प्रचार करते हुए वे तीन सीटों के साथ संसद में वापस आई यह पिछले चुनाव की दो सीटों के मुकाबले उल्लेखनीय सुधार था उन्नीस में इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान साहसिक निर्णय लिया जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना इस युद्ध में भारत की जीत हुई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून उन्नीस को चुनाव भ्रष्टाचार के आरोप पर इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध ठहरा दिया। इस्तीफे के बजाय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। आपातकाल मार्च 1977 तक चला और 1977 में आयोजित आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। छठा आम चुनाव 1977 कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा 1977 के के चुनाव में मुख्य मुद्दा था राष्ट्रीय आपातकाल दौरान 25 जून 1975 से 20 मार्च 1977 तक नागरिक स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया गया था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने व्यापक शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कम हुई और चुनाव में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी तेईस जनवरी को गांधी ने मार्च में चुनाव कराने की घोषणा की और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया चार विपक्षी दलों कांग्रेस ओ जनसंघ भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने जनता पार्टी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और मानव अधिकारों के उल्लंघन की जनता पार्टी ने मतदाताओं को याद दिलाई और कहा कि इस दौरान अनिवार्य बंध्याकरण और राजनेताओं को जेल में डालने जैसा काम भी किया गया था इस चुनाव पूर्व अभियान में कहा गया कि चुनाव तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र होगा या तानाशाही इसे कांग्रेस आशंकित दिख रही थी कृषि और सिंचाई मंत्री बाबू जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ दी और ऐसा करने वाले कई लोगों में से वे एक थे कांग्रेस ने एक मजबूत सरकार की जरूरत होने की बात कहकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की लेकिन लहर इसके खिलाफ चल रही थी कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने दो सीटें जीती उन्हें चुनाव से दो महीने पहले ही जेल से रिहा किया गया था देसाई 24 मार्च को भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कांग्रेस की लगभग 200 सीटों पर हार हुई इंदिरा गांधी जो उन्नीस तो से सरकार में थी और उनके बेटे संजय गांधी चुनाव हार गए सातवां आम चुनाव उन्नीस सौ अस्सी जनता सरकार के गिर जाने के कारण 1980 में सातवें आम चुनाव का आयोजन कराया गया कांग्रेस और आपातकाल के खिलाफ जनता के गुस्से पर सवार होकर जनता पार्टी सत्ता में आई लेकिन इसकी स्थिति कमजोर थी लोकसभा में पार्टी की 270 सीटें थी और सत्ता पर उसकी मजबूत पकड़ नहीं थी उन्नीस में मुरारजी देसाई ने संसद में विश्वास मत खो दिया और इस्तीफा दे दिया चरण सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में जून उन्नीस में शपथ ली कांग्रेस ने संसद में चरण सिंह के समर्थन का वादा किया लेकिन बाद में पीछे हट गई चरण सिंह ने जनवरी 1980 में चुनाव की घोषणा कर दी जनता पार्टी के नेताओं के बीच की लड़ाई और देश में फैली राजनीतिक अस्थिरता ने कांग्रेस आई के पक्ष में काम किया जिसने मतदाताओं को इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार की याद दिला दी कांग्रेस ने लोकसभा में तीन सीटें जीती और सत्ता में वापसी की जनता पार्टी का साल दर साल विभाजन होता रहा लेकिन यह देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ यह एक गठबंधन था और इसने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है आठवां आम चुनाव उन्नीस से उन्नीस आठवीं लोकसभा का गठन उन्नीस में हुआ 31 अक्टूबर उन्नीस को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम किया इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद लोकसभा को भंग कर दिया गया और राजीव गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली नवंबर उन्नीस में आम चुनाव कराया गया चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी ने लोगों को अपने परिवार के योगदान की याद दिलाई और खुद को एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया इस चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की पार्टी ने 409 लोकसभा सीटें और लोकप्रिय मतों का 50 फीसदी अपने नाम किया यह पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था तेलुगु देशम पार्टी 30 सीटों के साथ संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई यह भारतीय संसद के इतिहास के उन दुर्लभ रिकॉर्डों में एक है जिसमें कोई क्षेत्रीय पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी नवा आम चुनाव उन्नीस सौ नवासी आम चुनाव भारतीय चुनावी राजनीति में कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है इन चुनावों में राजनीतिक दलों के मतदाता से वोट मांगने के तरीके को बदल दिया अब जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना केंद्र बिंदु बन गया नौवीं लोकसभा के लिए उन्नीस सौ नवासी में चुनाव हुए ये आम चुनाव कांग्रेस से जूझ रहे कांग्रेस के युवा नेता राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए कांड पंजाब में बढ़ता आतंकवाद एल और श्रीलंका सरकार के बीच गृह युद्ध उन समस्याओं में से कुछ थी जो राजीव गांधी की सरकार के सामने थी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में पांच पार्टियों वाला नेशनल फ्रंट भी चुनावी मैदान में था उन्नीस का आम चुनाव दो चरणों में आयोजित हुआ नेशनल फ्रंट को लोकसभा में आसान बहुमत प्राप्त हुआ और उसने वाम मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई राष्ट्रीय मोर्चे की सबसे बड़े घटक जनता दल ने एक सीटें जीती इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने क्रमशः तैतीस और बारह सीटें हासिल की निर्दलीय और अन्य छोटे दल उनसठ सीटें जीतने में कामयाब रहे हालांकि कांग्रेस अभी भी एक सांसदों के साथ लोकसभा में अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी भाजपा उन्नीस के चुनाव में दो सीटों के मुकाबले इस बार के चुनाव में पिचासी सांसदों के साथ सबसे ज़्यादा फायदे में रही विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के दसवें प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उप प्रधानमंत्री उन्होंने 2 दिसंबर उन्नीस से 10 नवंबर उन्नीस तक कार्यभार संभाला भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया सिंह ने विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया चंद्रशेखर सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई उन्हें बाहर से कांग्रेस का समर्थन मिला और वे भारत के ग्यारहवे प्रधानमंत्री बने 6 मार्च उन्नीस को इस्तीफा दे दिया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार राजीव गांधी पर जासूसी कर रही है दसवा आम चुनाव उन्नीस सौ इक्यानवे दसवीं लोकसभा के चुनाव मध्यावधि चुनाव थे क्योंकि पिछली लोकसभा को सरकार के गठन के सिर्फ 16 महीने बाद भंग कर दिया गया था चुनाव विपरीत वातावरण में हुए थे और दो सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के चलते इन्हें मंडल मंदिर चुनाव भी कहा जाता है मंदिर मुद्दे के कारण देश के कई हिस्सों में दंगे हुए और मतदाताओं का जाति और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो गया राष्ट्रीय मोर्चे में फैली अव्यवस्था ने कांग्रेस की वापसी के संकेत दे दिए थे तीन चरणों में चुनाव 20 मई 12 जून और 15 जून उन्नीस को आयोजित किए गए यह कांग्रेस भाजपा और राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल एस वामपंथी मोर्चा के गठबंधन के बीच एक शंकु मुकाबला था 20 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मतदान के पहले दौर के एक दिन बाद तमिल इलम लिबरेशन टाइगर्स द्वारा श्री श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई चुनाव के शेष दिनों को जून के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अंत में मतदान 12 जून और 15 जून को हुआ इस बार के संसदीय चुनाव में अब तक का सबसे कम मतदान हुआ इसमें केवल तिरपन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया चुनाव के परिणामों के बाद एक त्रिशंकु संसद बनी जिसमें 232 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 120 सीटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर रही जनता दल सिर्फ उनसठ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा 21 जून को कांग्रेस के पीवी वी राव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली राव नेहरू गांधी परिवार के बाहर दूसरे कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे ग्यारहवा आम चुनाव उन्नीस ग्यारहवीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के परिणामों से एक त्रिशंकु संसद का गठन हुआ और दो वर्ष तक राजनीतिक अस्थिरता रही जिसके दौरान देश के तीन प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव की कांग्रेस आई सरकार ने उदारीकरण की नीति के साथ आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला को लागू किया जिसने विदेशी निवेशकों के लिए देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया राव के समर्थकों ने उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को को बचाने और देश की विदेश नीति स्फूर्ति देने का श्रेय दिया। लेकिन उनकी सरकार अप्रैल से मई में चुनाव से पहले अनिश्चित और कमजोर थी भाजपा व उसके सहयोगी दल और संयुक्त मोर्चा वाम मोर्चा और जनता दल का गठबंधन चुनाव में कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी थे राव ने तीन सप्ताह के अभियान के दौरान अपने द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों को मुद्दा बनाकर मतदाताओं को आकर्षित किया और भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मतदाताओं को रिझाया मतदाता किसी भी पार्टी से प्रभावित नहीं लगते थे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें और कांग्रेस को 140 मिली लेकिन सरकार बनाने के लिए संसद में सीटों की आधी संख्या दो की जरूरत होती है राष्ट्रपति ने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वे संसद में सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया थे लेकिन पदभार संभालने के तेरह दिनों के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि भाजपा संसद में समर्थन जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई जनता दल के नेता एच डी देवेगौड़ा ने 1 जून को एक संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार का गठन किया उनकी सरकार 18 महीने चली देवेगौड़ा के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल उन्नीस में पदभार संभाला लेकिन अल्पमत में आने के कारण 28 नवम्बर उन्नीस को उनकी सरकार गिर गई इसके बाद चुनावों की घोषणा की गई बारहवा आम चुनाव उन्नीस सौ तो अट्ठानवे चार दिसंबर उन्नीस सौ तो सत्तानवे को ग्यारहवीं लोकसभा के विघटन के बाद समय से पहले ही सभी लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को दो सीटों का कार्यकारी बहुमत मिला 10 मार्च उन्नीस तो को बारहवीं लोकसभा का गठन हुआ और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 9 दिन बाद शपथ दिलाई गई बारहवीं लोकसभा केवल 413 दिन चली जो उस तिथि तक का सबसे कम समय था 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी ने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया इसके फलस्वरूप उनकी गठबंधन सरकार ने इस्तीफा दे दिया 26 अप्रैल को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने लोकसभा भंग कर दी और जल्द ही चुनाव कराने की घोषणा कर दी तेरवा आम चुनाव उन्नीस सौ निन्यानवे सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ निन्यानवे को वाजपेयी ने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया और इसके फलस्वरूप उनकी गठबंधन सरकार ने इस्तीफा दे दिया उन्होंने इसका कारण अपने चौबीस पार्टी वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजक में सामंजस्य की कमी होना बताया भाजपा गठबंधन की अपने सहयोगी जयललिता के नेतृत्व वाली अन्ना द्रमुख के पीछे हटने के कारण मतदान में एक वोट से हार गई थी क्योंकि पिछले आम चुनाव उन्नीस और उन्नीस में आयोजित हुए थे इसलिए उन्नीस के आम चुनाव 40 महीने में तीसरी बार हो रहे थे चुनावी धोखाधड़ी और हिंसा को रोकने के लिए देश के इकतीस राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा बलों को तैनात करने हेतु ये चुनाव पाँच सप्ताह तक चले थे कुल मिलाकर 45 पार्टियों ने छह राष्ट्रीय शीर्ष क्षेत्रीय पाँच लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा छह अक्टूबर को आए परिणाम में राजक को दो सीटें मिली तथा कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 136 सीटों पर विजय प्राप्त हुई वाजपेयी ने 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली राजक सरकार ने 1999 से 2004 तक अपने शासन के पांच साल पूरे किए चौदवा आम चुनाव 2004 चौदवी लोकसभा के लिए 20 अप्रैल से 10 मई 2004 के बीच चार चरणों में चुनाव हुए इस बार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा तेरह मई को भाजपा ने हार को स्वीकार किया और कांग्रेस अपने सहयोगियों की मदद और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में पांच में से 335 सदस्यों बसपा सपा एमडीएमके की और वाम मोर्चा के बाहरी समर्थन सहित का बहुमत प्राप्त करने में सफल रही चुनाव के बाद हुए इस गठबंधन को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए कहा गया हालांकि सोनिया गांधी ने नया प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर लगभग सभी को हैरान कर दिया इसके बजाय उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से यह दायित्व उठाने के लिए कहा मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और वर्ष दो तक अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया पंद्रवा आम चुनाव 2009 मई 2009 में पंद्रहवीं लोकसभा की के चुनाव के परिणामों की घोषणा की गई जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क ने लोकसभा का नेतृत्व करने का जनादेश जीता श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दोबारा देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला आम हजार चौदह सोलह लोकसभा के लिए आम चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक नौ चरणों में हुए मतगणना 16 मई को हुई यह चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यक्रम वाला चुनाव था यह पहली बार होगा जब देश में नौ चरणों में लोकसभा चुनाव हुए निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची में इक्यासी करोड़ मतदाता का नाम दर्ज होने का हवाला दिया सभी नौ चरणों में औसत मतदान छियाठ दशमलव तीन आठ प्रतिशत के आसपास रहा जो भारतीय आम चुनाव के इतिहास में सबसे उच्चतम है चुनाव के परिणाम 16 मई को घोषित किए गए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजक 336 सीटों पर जीत हासिल की दो सीटों के साथ भाजपा पिछले 30 वर्षों के दौरान लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनकर उभरी है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उनसठ सीटों पर और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की जो इस पार्टी से आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन है आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है शासन प्रक्रिया में आम चुनाव की रूपरेखा का विश्लेषण करना आम चुनाव में निर्वाचन आयोग का रोल लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में आम चुनावों की भूमिका का उल्लेख करना लोकसभा चुनाव के बदलते व्यवहार की व्याख्या करना तथा प्रत्येक लोकसभा चुनाव का संक्षिप्त परिचय अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित है नमस्कार